साथियों, हमारे YouTube चैनल हैदर मोबाइल एंड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो हम एक नया ड्रोन लाए हैं, DJI का पेंटम 4 प्रो वर्जन 2.0। और ये अभी जो ड्रोन का क्रेज मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप अगर ड्रोन लेते हैं तो इसे महीने का 30-40 हज़ार रुपये मिनिमम आराम से कमा सकते हैं। हर जगह ड्रोन का क्रेज है, कहीं भी आप जाइएगा तो हर कस्टमर ड्रोन का ही डिमांड करता है। आप कहीं का भी फुटेज अभी लेके अगर डालते हैं, जहाँ भी घूमने का जगह हो, कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे अगर जाके उसका ब्लॉग बनाते हैं, तो उस तरह का टाइप का वीडियो आपका बहुत सुटेबल आएगा और बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, उनका मार्केट में इतना ज़्यादा क्रेज है कि हमने ड्रोन लिया और अभी जो डाला है तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रहा है। और अगर एक अच्छा ट्रेनर आप हैं, ड्रोन को चला सकते हैं या उड़ा सकते हैं, तो आप अच्छा से कमा सकते हैं। लेकिन ड्रोन ये काफ़ी महंगा आता है। क्या ड्रोन का प्राइस है, कहाँ से हमने लिया है, कितना, ये सब सारा जानकारी अभी आपको यूट्यूब चैनल पर हम अपने सारा कुछ जानकारी देंगे। और ड्रोन को कैसे उड़ाना है, कहाँ से उड़ेगा, कैसे फ्लाई होता है, क्या क्या इसका प्राइस है, कौन सा पार्ट्स का कहाँ क्या काम है, वो सब सारा कुछ बताएंगे। फिलहाल अभी हम ड्रोन को अनबॉक्सिंग करते हैं। जो ये देखिए, एक हमने बैग परचेस किया है। ये बैग अलग से लेना पड़ता है क्योंकि ये बैग आपको कंपनी साथ में नहीं देती है। ये बैग जो है काफ़ी पावरफुल बैग है। बैग जो है अगर कभी गिरता भी है तो ये पूरा सॉफ्ट है, मतलब इस तरह का बैग है जो आपको कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, आप कहीं पे आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। देखिए पीछे जो है ये बैग का, आप अगर पीछे लगाते हैं तो ये लॉक लगा सकते हैं, सामने अगर करके आपको पीछे, अगर सामने से अगर हिलता है कभी तो सामने से देखिए दोनों लॉक लगा हुआ है। अब इसको हम बिना देरी किए हुए खोलते हैं और खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं अपना। और ये देखिए, अभी ये जो है DJI का पेंटम 4 प्रो वर्जन 2.0। ठीक है, ये ड्रोन जो है काफ़ी डिमांडी है, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस ड्रोन के आगे, मतलब पेंटम 4 का जो है लास्ट वर्जन ये है। ठीक है, अभी इसके सामने और कोई ड्रोन नहीं है। तो फिलहाल इसको हम अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। देखिए ऊपर से इसी तरह का बना हुआ आता है, हमने जो जब गया था लेने के लिए हमें वहाँ पे इसी तरह मिला था। ठीक है, बाकी हमने बैग जो है अलग से परचेस किया। और इसके साथ जो है अभी क्या क्या मिलेगा, अभी हम इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। अब जो है ये देखिए, इस पे बॉक्स पे जो है DJI का पेंटम लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनी का लोगो मारा हुआ रहता है। और ये बॉक्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, ये फोम का बना हुआ है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, इसमें कहीं तरह से आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। अब देखिए कंपनी जो है यहाँ पे सामने एक लॉक लगा के रखी है। इस लॉक को जो है अंदर सिंबल दिया हुआ है, हम सबसे पहले अगर खोलने के लिए इसको ऐसे पुश करके बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं। देखिए प्रेस किए, अब हमारा ये अनलॉक हो गया, अब इसको हम आराम से उठा सकते हैं। उसके बाद आराम से इसको हम उठाएंगे, देखिए हमारा जो है बॉक्स अनलॉक हो गया। अब देखिए अंदर पे जो इसका है, कंपनी किस हिसाब से मॉडिफाई किया है कि ड्रोन हम कभी भी लेके कैरी करते हैं तो ये ज़रा सा भी हिलता नहीं है। हर जगह जो है इस सिस्टम से बनाया हुआ है, कहीं पर हिलता नहीं है। ये जब लॉक देखिए अनलॉक होता है, लॉक होता है, देखिए यहाँ पर इस तरह का ही बॉक्स इसमें निकलता है। तो ये इसका लॉक और अनलॉक वाला सिस्टम है। बाकी अब जो इसमें है क्या क्या है, हम इसको देखते हैं निकाल के। सबसे पहले ये जो है इसका रिमोट है, DJI का जो रिमोट है, ये दोनों इसमें एंटीना दिया हुआ है। और इसे बहुत सारा फीचर है, फिलहाल अभी जो है हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शॉर्टकट में बता देते हैं कि इसको हम स्टैंड को अगर खड़ा करते हैं, यहाँ पे आपका मोबाइल लगेगा, इधर एक पावर बटन दिया हुआ है जिसे आप प्रेस करते हैं तो ये हमारा मोबाइल लगाने के लिए ऊपर जाता है। ये इसका पावर ऑन का बटन है, और ये हमारा जॉयस्टिक है, आगे पीछे दायां बायां सब कुछ होता है इसे। और यहाँ पे जो है स्विच दिया हुआ है, ये कैमरा का गिम्बल है नीचे ऊपर करने वाला, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप, ये वीडियो पॉज करने वाला, और ये वीडियो को फोटो कैप्चर करने वाला है। इससे जो है हमारा अगर मैनुअल मोड पे रखते हैं तो हमारा पिक्चर का क्वालिटी जो है कम बेसी करता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ये देखिए अंदर में, अब ये ड्रोन दिया हुआ है, ये DJI का पेंटम ड्रोन है। अब इसमें देखिए पहले जो ड्रोन आता था, अभी तो बहुत सारे लोग के पास मार्केट में ड्रोन है, लेकिन पहले जो ड्रोन आता था पेंटम 4 या तो पेंटम 3 मिनी 2, बहुत सारे ड्रोन है, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें सेंसर बहुत कम होता था। अभी के टाइम में देखिए ये ड्रोन जो आया है मार्केट में पेंटम 4 वर्जन 2.0, इसमें देखिए दो सामने सेंसर दिया हुआ है, एक सेंसर इधर दिया हुआ है, दो सेंसर इस साइड में दिया हुआ है, एक सेंसर इधर दिया हुआ है, और ये जो है दो सेंसर इसके नीचे दिया हुआ है।
बाकी ये जो है सो हाइट के लिए है, कितना जमीन से कितना हाइट पे जा रहा है उसका हाइट के लिए दिया हुआ है। अभी कंपनी हमको देखिए यहाँ पे एक कार्ड जो है 32 GB का, इसमें इंसर्ट अंदर में पहले से ही दे के छोड़ा है, इसमें जो 32 GB का इंसर्ट कार्ड किया हुआ है ये कार्ड साथ में कंपनी देती है। लेकिन ये कार्ड जो है सो आपका ये जो भी ड्रोन है ये 4K रिकॉर्डिंग करता है, DJI का 4K है, लेकिन ये कार्ड जो आप दिया है कंपनी इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं होता है। इसके लिए हमने मार्केट से अलग से देखिए ये सेंडिक्स का 64 GB का 4K अल्ट्रा जो है ये कार्ड हमने लिया है। इससे आपका जो है अच्छा खासा 170 Mbps स्पीड है, 170-180 Mbps है, तो ये जो है बहुत फास्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, 4K रिकॉर्डिंग अच्छा खासा करता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और इसमें कंपनी देखिए एक बैटरी साथ में दिया है, जो बैटरी भी देखिए लगभग हमारा इतना चार्ज है बैटरी, ये जो है एक पर कंपनी देती है साथ में, बाकी अलग से हमने जो है एक बैटरी टाईफाई का बैटरी लिया है, अलग से परचेस किया है टाईफाई का बैटरी। और अब इसके अंदर देखिए अगर कभी ड्रोन आप फ्लाई करना चाहते हैं, कभी उड़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको देखिए नीचे जो है गिम्बल कभी ये हिलता रहता है, ये जो गिम्बल है ये हिले नहीं, इसलिए कंपनी इसका प्रोटेक्शन में देखिए नीचे से एगो ये लगा के रखती है ताकि हिले नहीं। और दूसरा जो है सो ये लॉक लगा हुआ है, गिम्बल लॉक, तो गिम्बल लॉक को आसानी के साथ देखिए दोनों साइड पकड़ने का स्टैंड है, आराम से पकड़ें और इस तरह से पुश करके आराम से खोल लें। अब ये हमारा गिम्बल जो है हिलेगा, ठीक है, हम कहीं लेके जाते हैं और अगर नहीं लगाते हैं देखिए ऑटोमेटिक ये जो है इतना फ्री होता है कि देखिए नीचे करने से नीचे जाएगा और ऊपर करने से ऊपर आएगा, ये इतना फ्री होता है, लेकिन इसलिए गिम्बल लॉक लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बनाया है एक बैटरी हमने और अलग से लिया है, देखिए ये वाला बैटरी है, हमने 3 बैटरी लेकर रखा है इसका, एक बैटरी उसमें है, एक बैटरी लगा हुआ है, एक बैटरी ये है, तो ये बैटरी जो है देखिए इसमें 2 बैटरी रखने का जगह होता है इसमें। अब यहाँ पे इसका देखिए मैनुअल पेंटम 4 वर्जन 2.0 ये मैनुअल गाइड दिया हुआ है, जबकि इसको वैसे जो है पढ़ के अपने खुद देख सकता है। बाकी इसमें देखिए इसका पंखुड़ी है, पेंटम का जो है पंखुड़ी इसमें दिया हुआ है, इसमें अभी कंपनी 8 पंखुड़ी दिया है, 8 में से देखिए 4 सिल्वर कलर का और 4 ब्लैक कलर का है, ठीक है, देखिए 4 सिल्वर है और 4 ब्लैक है, चूँकि 2 ब्लैक यहाँ लगता है और 2 सिल्वर यहाँ लगता है, तो कंपनी उस हिसाब से 4 पत्ती दी है। अब देखिए पत्ती में जो है अभी नया है जिसमें देखिए रेपर लगा हुआ है, प्लास्टिक जो लगा हुआ है इस प्लास्टिक को आराम से निकाल लेना है, उसके बाद हमें इसमें सेट करना है, तो वो तुम करके देख लेंगे। और इसके साथ जो है अभी देखिए एगो डाटा केबल दिया हुआ है, ये जो डाटा केबल है, डाटा केबल ये देखिए दूसरा, ये जो है मेड इन अमेरिका है, तो इसमें हम यहाँ पे अगर चार्ज करते हैं तो यहाँ पे हमको इसके लिए एक अडैप्टर अलग से लेना पड़ेगा जो हमारे इंडिया में चलता है, उसको लगा के आसानी से हम कर सकते हैं। बाकी अंदर में ये देखिए एक इसका चार्जर है, अंदर में ये DJI का ओरिजिनल चार्जर है, इसमें देखिए ये केबल यहाँ पे लगेगा, ये केबल को अगर आप यहाँ लगाते हैं उसके बाद आप पावर प्लग कर देते हैं, तो इसमें 2 दिया हुआ है, एक जो है हमारा रिमोट चार्ज होता है, रिमोट देखिए चार्ज करने के लिए आपको यहाँ से इस तरह का लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे आप आराम से डाल सकते हैं, इसको प्लग इन कर देंगे तो आपका रिमोट यहाँ चार्ज हो जाएगा, और चार्ज जब होता है तो यहाँ पे लाइट चलता है, और ये जो है बैटरी चार्ज करने के लिए है, बैटरी अगर कभी चार्ज करें तो इस टाइप में आप यहाँ से लगा लें तो आपका ये लाइट बिलिंग करने लगेगा। आगे जो इसका है वो फीचर हम बता देंगे, आपको दिखा देंगे, अभी ड्रोन कैसे उड़ता है या कैसे फ्लाई होता है उस चीज़ के बारे में हम जानकारी दे देंगे। फिलहाल अभी हम ड्रोन ऑन करके दिखा देते हैं कि ड्रोन ऑन कैसे होता है। अब देखिए इसमें जो है हम पंखा सेट करते हैं, ठीक है, पंखा सेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो ड्रोन है, ड्रोन के ऊपर हम बैटरी चेक कर सकते हैं खुद से हमारा कितना का चार्ज है, ठीक है, चेक कर लिए हमारा 2 पॉइंट बैटरी चार्ज है अभी। अब इसमें यहाँ पे गोल्डन टाइप का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सिंबल बना हुआ है, या तो ये मोटर के ऊपर जो देखिए ये वाइट सिंबल है और ये पे ब्लैक ब्लैक सिंबल है, तो उस तरह से हमको देख के अपना जो है पंखा सेट करना है, ठीक है। चारों पंखा का हमने रैपर जो है प्लास्टिक उतार लिया है, अब इसमें जो है ब्राउन टाइप में है उसमें ब्राउन देखिए, अब यहाँ पे पत्ती में जो है एक साइड अनलॉक और एक साइड लॉक, और इसमें एरो बना हुआ है, ठीक है, आप एरो के हिसाब से भी देखिए हमको लॉक करना है तो इस टाइप में ऐसे घूमेगा, और जब अनलॉक करना है तो उस कंडीशन में ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बैठा के आराम से पहले बैठा लेना है, बैठ गया, अब पुश करना है, इसे दबा के और पुश कर देना, ये देखिए लॉक हो गया, ठीक है। अब ये भी देखिए यहाँ पे बैठाते हैं, और इसमें भी देखिए सिंबल बना हुआ है, इस साइड लॉक होगा हमारा, ऐसे देखिए लॉक हो गया, और ब्लैक जो है ब्लैक में ब्लैक को बैठाते हैं, और इसको ऐसे लॉक होगा, ये उल्टा साइड लॉक होता है, हमेशा उसके विपरीत दिशा में होगा। ये हमारा जो है रेडी हो गया, अब इसको फिलहाल हम ऑन कर देते हैं, ठीक है। देखिए ऑन करने के लिए सबसे पहले
ये जो पावर बटन है इसको एक बार प्रेस करना है और दूसरा बार लंबा प्रेस करना है। ये ऑन हो गया, देखिए अब जो है गिम्बल ऑटोमेटिक काम करेगा और इसमें लाइट वगैरह सब कुछ जलेगा। देखिए गिम्बल भी काम करता है ठीक ठाक अपने से। अब हमने जो है इसका मोबाइल का एक ऐप आता है DJI का, वो हमने पहले से इसमें लोड करके रखा है, तो आप भी रख सकते हैं ऐसा अगर है तो। और ये पावर बटन जो है इसको भी देखिए, इसका रिमोट का जो पावर बटन है इसको उठाने के लिए मोबाइल हम लगाएंगे, जिसको उठाने के लिए देखिए प्रेस बटन कीजिए, ऑटो मोड पे अपने ऊपर जाएगा। ठीक है, ये देखिए खुद से ऊपर चल जाता है अपने आप, दबा के रखिए अपने चल गया। अब यहाँ पे मोबाइल बैठा लेना है और देखिए इसका पीछे जो है ये हमने टाइप सी का डाटा केबल है, कंपनी इसमें जो है RD3500 डाटा केबल देती है, हम इसने टाइप सी जो है वो अलग से मार्केट से परचेज किए हैं। अब इसको पहले यहाँ पे लगा लेना है और दूसरा जो है हमारे मोबाइल के नीचे लगाना है। और नहीं, पहले आप इसको जो है पावर बटन ऑन कर लीजिए दो बार, सेम बटन ये देखिए पावर ऑन का बटन है। इसमें जो है होम रिटर्न का भी बटन है, अगर आप कभी आपका ड्रोन हमसे दूर चल गया, आउट ऑफ कंट्रोल है, उस कंडीशन में आप होम बटन दबाते हैं तो आपका ये ड्रोन जो है वापस अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम लगाते हैं अपने मोबाइल में, दिखाते हैं यहाँ पे फीचर। ये देखिए हमको हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब देखिए हमारा ऑटोमेटिक जो है DJI 4 जो है ओपन हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ गो फ्लाइट पे, देखिए यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और गो फ्लाइट पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने गो फ्लाइट पे क्लिक किया है, देखिए यहाँ सारा बहुत सारा कुछ आ जाता है, सारा कुछ जो है स्टेटस इसमें आ गया। हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए रेडी टू गो विजन, यहाँ पे रेडी टू गो विजन जो लिखा हुआ है, इसमें आपको जो है देखिए अभी हमारा जो ड्रोन है सामने की तरफ है, इसको हम अपने रिमोट से नीचे ऊपर कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे रेडी टू गो विजन जो आ रहा है, ये अगर ग्रीन होता है तभी आप इसको फ्लाई कर सकते हैं। बैटरी का हमारा परसेंटेज जो है यहाँ पे कोना में दिखाता है, देखिए अभी रेडी हो गया, रेडी टू गो, इसका सिग्नल जो है अभी देखिए ग्रीन हो गया। आप इस कंडीशन में फ्लाई कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हमारा बैटरी 41% है, बैटरी जो है आप सेट कर सकते हैं ज़्यादा में, उस कंडीशन में देखिए बैटरी का कम से कम 30% में रखिए। बैटरी हमारा देखिए 17% में किया हुआ है, इसको हम 30% में करके रख देते हैं। 30% रहेगा तो आपको वार्निंग देना पहले बोलेगा, उसके बाद लाइट जो है जलना शुरू हो जाता है, मोबाइल में इसमें मैसेज देना शुरू कर देगा कि आपका जो है इस मूड में है, बैटरी जो है लो मूड में है। ठीक है, अब इसको हम एक बार टेक ऑफ करके दिखा देते हैं, इसको टेक ऑफ करते हैं एक बार। बिना मोबाइल के भी आप टेक ऑफ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पे आपको दिखेगा, इसमें जो है आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल कितना ऊंचाई पे है, कहाँ हाइट है या क्या है, कैसे है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसके लिए फ्लाई ऑन करने के लिए ये हमारा जॉयस्टिक जो है दोनों को हम नीचे के तरफ करते हैं, अपने तरफ देखिए कोना में दोनों तरफ किए हैं। देखिए हमारा ये जो है, ये हमारा ड्रोन जो है रेडी हो गया उड़ने के लिए। ठीक है, अब ये हमारा ड्रोन उड़ने के लिए रेडी है, इसका जो है हम फेस अपने तरफ करते हैं। एक मिनट रुकिए, अभी देखिए ऑन है, इसको बंद करना है तो एक बार हम इसको नीचे ऐसे करते हैं, ये हमारा ड्रोन जो है बंद हो गया। अब ये जो है देखिए ऐसे अगर हम इस ड्रोन का कैमरा अपने तरफ कर लिए, इस ड्रोन का जो है कैमरा अपने तरफ किए हैं, अब हमारा देखिए गिम्बल जो है नीचे ऊपर हम कर सकते हैं। आप इस मोबाइल में देख सकते हैं कि हमारा फेस जो इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस गिम्बल में जो है हम गिम्बल से अपना इसका कैमरा का जो है गिम्बल उठा दिए हैं, अब मोबाइल में हमारा फेस सब कुछ दिख रहा है, हम कितना हाइट में है, देखिए हमारा जो है ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है, कितना डिस्टेंस में है, 0.5 है, 0.6 है, अब सारा कुछ यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखिए गूगल मैप भी आता है, आप मैप के जरिए देखिए हमारा सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है, कहाँ पे कहाँ हैं हम और किस जगह पे हैं, तो आप मैप के जरिए भी चला सकते हैं। अभी इसको देखिए एक बार हम दो बार प्रेस किए, ये हमारा टेक ऑफ के लिए रेडी है। अब ये बटन को अगर हम ऊपर करते हैं तो ये हमारा ऑटो मोड पे देखिए ऊपर चल जाएगा। देखिए ये हमारा देखिए ड्रोन फ्लाई कर रहा है हवा में, आप देख सकते हैं कितना पावरफुल ड्रोन है। यहाँ का नज़ारा आप देखिए कि किस तरह से सारा कुछ हिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो पर्दा है, हमारा बेड है, सारा कुछ किस तरह से हिल रहा है, कितना ज़्यादा पावरफुल ड्रोन होता है ये। इसका जो है ड्रोन का बैटरी क्या हाल में है, कैसा है, देखिए सारा कुछ। अब इसको हम नीचे ऊपर अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, देखिए ये हमारा ऊपर जा रहा है, हम दायां बायां नीचे ऊपर कहीं भी कर सकते हैं, इसका गिम्बल जो है हमारे साइड में है। ठीक है, नहीं जाएगा। अभी देखिए हवा का नज़ारा देख सकते हैं आप कि किस तरह से बेड पे हवा चल रहा है, आप ये ड्रोन का क्या पावर है, ये ड्रोन जो है
कितना पावरफुल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या पूरा माहौल बना दिया है। कुछ भी है तो सबको लेके उड़ जाएगा, ठीक है। सारा कुछ का माहौल आप देखिए, रूम का क्या हाल कर दिया, पूरा रूम में देखिए किस तरह से कर रहा है, वहाँ पे पूरा कैलेंडर तक हिला रहा है, ठीक है। आगे पीछे भी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे सेंसर चारों साइड है और सेंसर आवाज़ कर रहा है, इसलिए हम आगे पीछे दायां बायां कहीं नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो फिलहाल इसको अभी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। आप लोग देख लिए इसको, हम फिलहाल देखिए हम पकड़ते हैं यहाँ पे, और ये जो है पावर बटन को एक बार नीचे करेंगे, ये हमारा बंद हो गया। अभी इसका क्या, और हमने ये ड्रोन जो है अभी 1,95,000 में ये ड्रोन जो है ओनली ये ड्रोन लिया, बाकी ये बैग 1,800 रुपये में अलग से, और ये बैटरी जो है 8,000 रुपये में बैटरी आता है, ये 8,000 में बैटरी हमने अलग से लिया है, दो बैटरी 16,000 का आया, और ये मेमोरी कार्ड जो है 4K वाला जो है ये 1,200 रुपये का आया है, 64 GB का है, 1,200 रुपये में इसको हमने लिया है। जब कभी आप इसको अगर फ्लाई करते हैं, ये अगर उड़ता है ऊपर जब चल जाएगा आपका, तो ये देखिए आप कभी भी ड्रोन उड़ाते हैं हवा में तो उस कंडीशन में आपको लगेगा कि हमारा ड्रोन किस मूड में है, किस साइड में है, तो रेड लाइट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो है गिम्बल है हमारे साइड में है, और जैसे आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग का बटन पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपका ये रेड लाइट जो है बंद हो जाएगा। और देखिए ये साइड भी ग्रीन कलर का लाइट देखिए इस तरफ जल रहा है, ग्रीन कलर का लाइट जलते रहता है बुक बाग। अगर आपका बैटरी लो मूड में चल जाए, अगर लो होगा बैटरी उस कंडीशन में ये भी रेड जलेगा, ये भी रेड जलेगा, सब रेड जलने लगता है, ठीक है। तो उसे आप बैटरी हमारा लो है उस आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस ड्रोन से संबंधित हमारा जो मोबाइल दुकान भी है, ड्रोन से संबंधित रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे, मोबाइल से भी रिलेटेड कोई जानकारी जो हमारे पास हो हम आप लोग को देते रहेंगे। अगर कुछ ऐसा आप लोग को लगे तो हमारा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, उसका जवाब हम आप लोग को देंगे। और हम कहीं भी जाएंगे तो आप लोग को सारा, अभी हमारा सीजन स्टार्ट हो गया है, अभी हम वीडियोग्राफी भी करते हैं शादी में, तो अगर आप लोग को लगे कि हमें वीडियोग्राफी कराना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।